हेलो फ्रेंड्स, आपका ममता जिया क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अगर आपके पास प्रिंटेड बचे हुए कपड़े रखे हुए हैं तो आप उनको फेंकें नहीं, उनका यूज़ करके आप बहुत ही सुंदर सुंदर और डिज़ाइनर स्टाइलिश ट्रेंडी कुर्तियां बना सकते हैं इन डिज़ाइन की। आज मैं आपसे बचे हुए प्रिंटेड फैब्रिक की सेवनी हुई डिज़ाइनर कुर्तियों की डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है जो कुर्ती की डिज़ाइन आपको पसंद आए वो आपसे मिस हो जाए। मैं आज आपके लिए 150 प्लस 150 से भी ज़्यादा बहुत ही सुंदर सुंदर और एकदम यूनिक डिज़ाइन की डिज़ाइनर कुर्तियों की डिज़ाइंस लेकर आई हूँ, जो कि बचे हुए फैब्रिक से, प्रिंटेड फैब्रिक से बनाई गई हैं। और साथ ही साथ मैं आपको आइडिया दूंगी कि आपके पास किस तरह का फैब्रिक है, तो आप किन किन डिज़ाइन में, आप किस तरह से, कितने क्वांटिटी में अगर आपके पास फैब्रिक है तो उसका यूज़ करके आप सुंदर कुर्तियां बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने भी प्रिंटेड या फिर प्लेन बचे हुए फैब्रिक से कई सारी कुर्तियां बनाई हुई हैं, उनकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस भी मेरे चैनल पर है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह से आप तीन फैब्रिक का यूज़ करके आप डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हैं। आप इस तरह से इस पैटर्न में आप कपड़ा जोड़ सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि साइड में से कोई सा भी कपड़ा बच जाता है जब हम कोई सूट बनाते हैं, कुर्ती या ड्रेस बनाते हैं, तो अगर दो कुर्ती के साइड में से कपड़ा कोई बचा हुआ है तो आप उसको इजीली मिक्स मैच करके आप डिज़ाइनर कुर्ती बना सकती हैं। आप एक कुर्ती में तीन तरह के फैब्रिक का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप दो तरह के फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे कि बनने के बाद लगता ही नहीं है कि ये कुर्तियाँ बचे हुए फैब्रिक से बनाई गई हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश ये लुक देती हैं। अगर आप थान में से या फिर नॉर्मल कपड़ा लेकर आप अगर कुर्ती बनाएंगे तो उसका लुक उतना अच्छा नहीं आएगा, और अगर आप बचे हुए कपड़ों का यूज़ करके डिज़ाइनर कुर्तियाँ बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर कम बजट में आपकी कुर्तियाँ बन जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप खुद सिलाई नहीं करते हैं या किसी से सिलवाते हैं या फिर टेलर से, तो आप उनसे पहले ही बोल दें कि हमारे कुर्ती या सूट में से जो कपड़ा बचे वो हमें आप दे दें। और फिर आप कई सारे सूट कुर्ती सिलाएं तो आप बचा हुआ कपड़ा इकट्ठा करते जाएं, फिर उनको इजीली मिक्स मैच करके आप अपने लिए डिज़ाइनर कुर्तियाँ बना सकते हैं। अगर फैब्रिक बहुत ही कम बचा हुआ है तो आप मार्केट से एक मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लेकर, और आपके पास जो फैब्रिक रखा हुआ है तो उसे मिक्स मैच करके आप आसानी से आप डिज़ाइनर कुर्तियां बना सकते हैं, वो भी बचे हुए फैब्रिक से। फ्रेंड्स, आप अगर आपके पास कोई ज़्यादा कपड़ा बचा हुआ है तो आप मार्केट से कम कपड़ा, आधा मीटर कपड़ा लाकर भी डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हैं। आप मेरी वीडियो से आइडिया लेकर आप अपने टेलर से सिलवा सकते हो। आपको जो भी इनमें से जो कुर्ती की डिज़ाइन पसंद आ रही है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने टेलर को बताकर आप सिलवा सकते हैं। या फिर आपको खुद ही कटिंग और स्टिचिंग आती है तो आप मेरी वीडियो से आइडिया लेकर घर पर आसानी से सिल सकते हैं। आप इस तरह से योक पार्ट अलग फैब्रिक का बना सकते हैं। आप कुर्ती के घेर में कोई दूसरा फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो डबल लेयर में कुर्ती बना सकते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा कपड़ा आपके पास बचा हुआ है तो। अगर दुबली पतली लड़की के लिए हम ड्रेस मटेरियल से कोई सूट बनाते हैं तो साइड में से काफ़ी ज़्यादा कपड़ा बच जाता है, तो आप उस कपड़े से एक दुबली लड़की के लिए दो कुर्तियाँ बना सकते हैं। 2 मीटर फैब्रिक से दो कुर्तियाँ बनाई जा सकती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देती हैं, और आपके एक ही खर्च में आपकी 2 कुर्तियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से आइडिया लेकर आप बना सकते हो। इस तरह से आप सेम सेड का प्रिंटेड फैब्रिक ले सकते हैं जिसमें कलर सेम हो और
प्रिंट अलग अलग या फिर आप कॉन्ट्रास्ट कलर में प्रिंटेड फैब्रिक ले सकते हैं। इस तरह की पेपलम कुर्ती आप बना सकते हो। आप चाहें तो प्रिंसेस कट कॉलर वाली कुर्ती बना सकते हैं बचे हुए कपड़े का रीयूज़ करके, और 5-6 तरह के कपड़ों का यूज़ करके भी आप आसानी से डिज़ाइनर स्टाइलिश और पार्टवियर ट्रेंडी कुर्ती बना सकते हैं। मेरे चैनल पर बची हुई कपड़ों से डिज़ाइनर कुर्ती बनाने की आइडियाज़ की डिज़ाइंस की कई सारी वीडियोस हैं, तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आप देखिए इस तरह से हाफ एंड हाफ पैटर्न कुर्ती बना सकते हैं। इस तरह से आप तिरछे में कपड़ा जोड़कर भी कुर्ती बना सकते हो। आप जैकेट स्टाइल कुर्ती बना सकते हैं। इस तरह से अगर पतली पट्टी आपके पास बची हुई हैं तो उनको जोड़कर भी आप आसानी से डिज़ाइनर कुर्ती और सूट बना सकते हैं। बॉटम के फैब्रिक का यूज़ करके भी आप कुर्ती को डिज़ाइनर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में इन डिज़ाइन के कुर्ती या सूट को लेने जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलेंगे। ऑनलाइन परचेज़ करोगे तो भी आपको महंगे मिलेंगे। अगर आप मेरी वीडियो से आइडिया लेकर इन डिज़ाइन की कुर्तियां बनाएंगे तो आपके बिना पैसों में डिज़ाइनर पार्टवियर लेटेस्ट ट्रेंडी कुर्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप प्रिंटेड फैब्रिक के साथ प्लेन फैब्रिक को भी मिक्स मैच करके आसानी से डिज़ाइनर और लेटेस्ट ट्रेंडी कुर्तियां बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से 3 तरह के फैब्रिक का यूज़ करके आप बना सकते हो। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर कुर्ती डिज़ाइन, सूट डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन और डिज़ाइनर सूट और कुर्ती कटिंग स्टिचिंग की कई सारी वीडियोस हैं और प्लेलिस्ट भी हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आई होप के आपके लिए पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये देखिए इस पैटर्न में भी आप प्लेन प्रिंटेड कपड़े को मिक्स मैच करके कुर्ती बना सकते हैं। डबल लेयर की कुर्ती आप बना सकते हो। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं जो भी ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ या फिर कुर्ती डिज़ाइन करती हूँ या फिर सूट डिज़ाइन करती हूँ तो उससे रिलेटेड इमेजेस, रील्स और वीडियोस वहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़ जाइए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आपको कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है तो भी आप वहाँ पर मुझे मैसेज या DM कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए ट्राई भी करूँगी। देखिए इस तरह से आप शॉर्ट फ्रॉक कुर्ती बना सकते हैं टूलिप सलवार के साथ में पहनने के लिए। आप चाहें तो इस तरह से डबल लेयर में वन पीस कुर्ती बना सकते हैं, जिसे आप वन पीस ड्रेस की तरह पहन सकते हैं और या फिर आप लेगी या सलवार के साथ भी पहन सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी वाली कुर्ती की डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई हुई है।